भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। जय हिंद। नमस्कार, आज मैं देवांश अशोका सदन की ओर से संविधान दिवस के उपलक्ष में मौलिक कर्तव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोकर रखे और उनका पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण बनाए रखे। चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य, सभी लोग भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना की का निर्माण करें। छठा मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। दसवां मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। धन्यवाद।